हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और आज एक व्यूवर के रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रही हूं। हालांकि मैं तो बनाते ही रहती हूं, कोई भी मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो कोशिश करती हूँ कि उनके जो माइंड में डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ वीडियो के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मुझे भी उनका टॉपिक अच्छा भी लगा और मेरे साथ ऐसा होता भी है तो लगा कि वीडियो बना लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिए, जिससे कि और किसी के भी काम आ जाए और किसी के भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है साइन। क्या भगवान साइन देते हैं हमें? जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो क्या हमें साइन मिलता है गॉड की तरफ से? तो बिल्कुल, मैं यस बोलूँगी, यस ऑफकोर्स साइन मिलता है। भगवान हमें किसी ना किसी रूप में वो कोई ना कोई छोटा छोटा साइन हमें मिलने लगता है जब भी हम कोई चीज़ का स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि जब मैंने क्लीम करना स्टार्ट करा था, मुझे क्लीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे वो बार बार उस शब्द को मैं देख रही हूँ, कोई मैं बुक जैसे कि कोई धार्मिक किताब खोल रही तो उसमें मैंने क्लीम शब्द देख लिया, कोई मंत्र में देख लिया क्लीम। तो कहते ना, एकदम से फोकस, जब आप कोई चीज़ सोचते हो अपने माइंड में तो फोकस भी आपका उन चीज़ों पे तुरंत हो जाता है, देखने आपको तुरंत वो नोटिस करने लगते हो आप वो चीज़ें भी बार बार। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था कि कोई मंत्र आता था सामने तो उसमें क्लीम लिखा होता था, ऐसे ही कृष्ण भगवान की फ़ोटो। या कभी मैं बहुत, मुझे उदास हो जाती थी, मैं बहुत सैड हो जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरे सामने मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आ जाती थी। जैसे कि कोई क्वेट आ गई, अच्छी बात लिखी हुई आ गई, कोई स्टोरी मैंने देख ली यूट्यूब पर, या कोई जैसे होता ना कि धार्मिक कोई जैसे चमत्कार वाली कहानियाँ होती हैं, तो मथुरा वृंदावन की कई मैंने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और उसमें से वो मेरे आँखों के सामने आ गई चीज़। और कितनी चीज़ तो मैं देखती ही नहीं, तब मुझे फील हुआ कि भगवान किसी न किसी रूप में हमें साइन देते रहते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र चैंट कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड, जैसे शिव जी का आप ओम नमः शिवाय चैंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको शिव जी की मूर्ति दिख जाएगी, आपको शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर दिख जाएगा, लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, गौरी शंकर, मतलब कुछ ना कुछ वो साइन देते हैं। तो एक अंदर से खुशी आती है, खुशी होती है कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं वो मतलब हम कनेक्ट होकर पा रहे हैं खुद को यूनिवर्स से। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। कृष्ण भगवान की, राधा रानी की कहीं भी मुझे फ़ोटो दिख जाती है, कहीं कोई कैलेंडर दिख जाता है, रोड पर हूँ कोई नाम दिख जाता है, शॉप पर भी नाम होता है, कभी फ़ोटो दिख जाती है, कभी भी नेगेटिव थॉट आता है तो मैं थैंकफुल हूँ भगवान की, ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे कैसे ना कैसे अपने स्मरण करा देते हैं और मैं भी उनको स्मरण करती रहती हूँ। तो जिन्होंने पूछा मुझसे कि क्या हमें भगवान साइन देते हैं जब हम कोई मंत्र चैंट करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो आपको साइन मिलेगा, और आप बुरा काम भी करोगे ना, आप सोचोगे भी ना किसी का, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, डोंट टेक इट टू हार्ट, ये एग्ज़ाम्पल है, अगर हम कोई बुरा चीज़ सोचेंगे भी ना तो उसके लिए भी भगवान कोई ना कोई साइन देता है कि वो चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देंगे ना भगवान कुछ ना कुछ रिज़ल्ट, देने रिज़ल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साइन भी देते हैं जिससे कि आपको और अंदर से आपकी एक आप एनर्जी आए और आप करो उसे इन अ वेरी एनर्जेटिक वे में, तो बहुत अच्छा फील के साथ आप करोगे तो और दुगना उत्साह हो जाएगा और आपको दुगने रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब अंदर से आती है ना फील, तब जाके वो काम बहुत अच्छा सा होता है। खाना बना लिया, ठीक है, हो गया, खाना बना कर अपने ड्यूटी पूरी कर ली, पर जब आप अंदर से खुश होकर सोचते हो ना कि आज मेरे को ये करना है, तब एक अलग बात होती है, एक अलग जो खुशी मिलती है, अलग फीलिंग आती है उस काम को करने में, वो चीज़ होनी चाहिए आपकी मंत्र चैंटिंग में, आपकी पूजा पाठ में, आपका कोई भी काम हो उसमें, तो वो 100% नहीं 200% आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आपका माइंड भी कूल रखेगा, बिल्कुल पॉजिटिव, और आपके चारों ओर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, साइन देते हैं भगवान, बस आप फील कीजिए, आप खुद
ढूंढी है कि हाँ वाक्य में कि ये साइन क्यों मिला मुझे। अगर कृष्ण भगवान का मंत्र कर रहे हो, अचानक ही कृष्ण भगवान की फ़ोटो आपको दिख गई, राधा रानी की फ़ोटो दिख गई, नाम दिख गया या भजन आपने सुन लिया, कहीं भी किसी भी रूप में आपको साइन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत मतलब खुद से सोचना पड़ेगा या आपको मतलब तलाशना पड़ेगा, तलाशना नहीं पड़ेगा, वो सामने आपके खुद से खुद प्रकट हो जाएगा, आई मीन टू से। तो फ्रेंड्स, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही नई वीडियो लेकर आऊँगी आप सब लोगों के लिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राधे कृष्णा।